और एक तरीके से कर्नल शैलेंद्र जी, जिस जो मैसेजिंग की गई है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। जब प्रधानमंत्री रशिया गए थे तो उस वक्त व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्वीट करके क्या बोला, यूक्रेन में आज 37 लोगों की मौत हो गई, उनमें से 3 बच्चे थे, 170 लोग घायल हो गए हैं जिनमें 13 बच्चे भी शामिल थे, क्योंकि रूस ने एक बेहद ब्रूटल मिसाइल स्ट्राइक की। आज जब मोदी जी यूक्रेन में हैं, वो कहां गए, चिल्ड्रंस मेमोरियल, जिन बच्चों ने वॉर में अपनी जान गंवाई, जा करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। कर्ण शैलेंद्र, आपने मैसेजिंग की बात करी है, मैं अपने सारे पैनलिस्ट को बोलूंगा कि कृपया करके थोड़ी देर के लिए पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, देश की बात करेंगे, बिकॉज देश से बढ़कर पॉलिटिक्स हो नहीं सकती। लोगों का कहना था कि जैसे जयराम जी ने भी कहा कि क्या वो वॉर रोक देंगे, वॉर रोकी नहीं जा सकती आज शाम को, आप रोक देंगे, लेकिन एक भारत का प्राइम मिनिस्टर वो एनवायरमेंट बना रहा है, आप इसका मैसेज क्यों नहीं पढ़ पाए। आपने सब लोगों ने काफ़ी कुछ कह लिया, मैं कहता हूं मुझे एक कंट्री बताइए, नाम दीजिए, चाहे वो ऑपोजिशन का हो चाहे रूलिंग पार्टी का हो, मुझे एक कंट्री का नाम दीजिए जिसने दोनों कंट्रीज जो लड़ाई लड़ रही हैं वहां जाकर वो अपील करी है जो अनप्रेसिडेंटेड है, यूनिक है। एक प्राइम मिनिस्टर पुतिन के जिसके गले मिल रहा है, और अगर उस समय कोई स्ट्राइक यूक्रेन में हो रही है तो उसमें गट्स हैं, उसमें करेज ऑफ कन्विक्शन है, सच्चाई है कि उसने वहीं खड़े होकर बोल दिया कि इस तरह की स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, और बिना किसी किंतु परंतु के उन्होंने कहा कि वॉर खत्म होना चाहिए। बड़ी सीधी बात एक और आपको मैं दे देता हूं, लोगों ने कह दिया कि ये ज़ेलेंस्की ने कह दिया, मैं तो कहता हूं अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज थी ज़ेलेंस्की की, के प्राइम मिनिस्टर मोदी उस आदमी के गले मिल रहे हैं जो खूनी है, ये अनपार्लियामेंट्री, उसके बावजूद हम गए, उसके बावजूद आज आपसे जब झप्पी पा रहे थे तब आपको क्यों नहीं तकलीफ हुई, आज आपके उन बच्चों के उस शहीदी स्थल पर गए थे तब आपको क्यों नहीं तकलीफ हुई। देखिए मैसेज पढ़िए, एनवायरमेंट देखिए, और अगर ये एनवायरमेंट भारत का प्राइम मिनिस्टर बना रहा है, जैसे कि 71 का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तो उसका क्रेडिट उस प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठे मोदी या इंदिरा गांधी को क्यों नहीं मिलेगा, देना पड़ेगा आपको, देना पड़ेगा। एक समय था हर जगह पर देखा जाता है भारत का प्राइम मिनिस्टर सब कुछ करता है, लेकिन अगर वो प्राइम मिनिस्टर नाम इंदिरा गांधी है, मनमोहन सिंह है या मोदी है, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे जिम्मेदारी इन्वॉल्व है। अगर कहीं कुछ गलत हो जाता तो आप मोदी को खा जाते, सर्जिकल स्ट्राइक में एक आदमी मर गया होता आप मोदी को खा जाते, प्राइम मिनिस्टर को नहीं खाते उस समय। तहसीन पूनावाला, नहीं, इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, यूक्रेन और रशिया के बीच में भारत की भूमिका अहम रही है और भारत ने दोनों मुल्कों को बैलेंस किया है। जैसे मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा है कि वेस्टर्न ब्लॉक को भी जो चाहता है कि भारत काउंटर रहे चाइना के लिए, और रशिया चाइना का नेक्सस देखते रशिया के साथ रिलेशनशिप बना रहा है, पुराने संबंध है, वो भी प्राइम मिनिस्टर ने बैलेंस किया है। और ये कर्नल साहब ने बिल्कुल सही कहा, ज़ेलेंस्की को उस शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और आज भी मेरा मैं जानता हूं कि ज़ेलेंस्की पुटिन को प्राइम मिनिस्टर के सामने क्रिटिसाइज करेगा, प्राइम मिनिस्टर बहुत डेफ्ट है, उन्होंने उन बच्चों का जो की समाधि पर तो गए लेकिन उन्होंने रशिया का नाम नहीं लिया, तो आई थिंक दिस इज डिप्लोमेटिक मूव। ये अच्छा है, जरूरी ये है कि क्या भारत एक ऐसा माहौल बना सकता है कि सिर्फ रशिया और यूक्रेन में पीस नहीं, मैं चाहता हूं इसराइल और पैलेस्टाइन वहां पर भी अगर पीस कर सके, क्योंकि पैलेस्टाइन आज भी भारत स्टैंड्स फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन इसराइल, ये भारत अगर अपनी भूमिका बढ़ा सकता है तो मैं जो मानता हूं कि सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का एक परमानेंट स्टैंड होना चाहिए और परमानेंट मेंबरशिप होनी चाहिए, जिसके लिए बहुत सारे देश ग्लोबल साउथ भी पहल कर रहा है, मुझे लगता है उससे भारत का स्टैंड और भी मजबूत होगा। एंड आई वॉन्ट टू विश माई प्राइम मिनिस्टर ऑल द बेस्ट, मैं भाजपा की तरह नहीं हूं कि मनमोहन सिंह की सरकार गिराओ जब न्यूक्लियर डील आ रही थी, मैं भाजपा की तरह नहीं हूं कि जब सद्दाम हुसैन के साथ हमें एक्चुअल परमिशन मिला रेस्क्यू करने का और तब भी हमने भारतीयों के साथ नेपाली पाकिस्तानी बहुत लोगों को रेस्क्यू किया, तो उन प्राइम मिनिस्टर को हम कोसे, मैं भाजपा की तरह नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा देश आगे बढ़े, चाहे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हो, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर हो, इंदिरा जी हो या राजीव। चलिए, कांग्रेस के समर्थक है पर बेहद प्रबुद्ध है, इसीलिए इन्होंने कम से कम फिलिस्तीन के साथ साथ इसराइल का नाम तो लिया। तहसीन पूनावाला ने, सिद्धार्थ यादव, उम्मीदों का बोझ है आपके ऊपर कि आप सिर्फ यूक्रेन और रशिया में ही नहीं इसराइल और फिलिस्तीन में भी वॉर रुकवा दीजिए। नहीं सिद्धार्थ, कुछ सिद्धार्थ, एक लाइन बोलने दीजिए,
देखिए तहसीन का आज पक्का ये वीडियो निकल के और कांग्रेस के लोग ही आज ट्रोल करने वाले। वैश्विक शांति कहां तो मजाक, कहां तो ये हो रहा था कि पापा ने वॉर रुकवा दी, कहां तहसीन कह रहे हैं कि मोदी जी वॉर रुकवाएं। अब ये देखिए ये होने वाला है।